जब अपनी औकात किसी की नज़र में देख लो तो फिर कभी भी उस जगह पर दस्तक ना दो। लोगों से फासला पुरसकून जिंदगी का पहला जीना है। किसी से भी बात कर लें, कहीं भी मसरूफ़ हो जाएं, लेकिन उस शख्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता जिसकी ज़रूरत दिल को होती है। किसी को पाने के लिए हमारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलती ही काफ़ी है। मुनाफ़कत कुफ्र का वो दोगलापन है जिसमें इंसान सोचता तो दूसरों के लिए है मगर हकीकत में वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। मिडिल क्लास लड़की को बदनामी का बहुत डर होता है। ये इश्क नहीं करती, ये शौहर तलाश करती है। मोहब्बत में बच्चा बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार बन जाओ। इस तरह सच्ची मोहब्बत कर सकोगे और समझदारी से काम लेते हुए लड़ाई भी नहीं करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता रहता है। अक्सर आम सी जिंदगी में महंगे महंगे सबक मिलते रहते हैं। एहसास कमतरी में मुब्तिला इंसान नाकारा हो जाता है। मजाक तो वो होता है जो बुरा ही ना लगे, लेकिन किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ते हैं। दुनिया की सारी कामयाबियां समेटने के बाद मर्द अपनी मनपसंद औरत के कदमों में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। जिंदगी में भी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। उलझे हुए जहनों को सजदे सुलझा देते हैं। दो किस्म के मर्दों से भूल कर भी मोहब्बत ना करना, वरना सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। नंबर एक, खुदगर्ज से। नंबर दो, जो मर्द औरत की इज्जत ना करता हो। जो लोग आप पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं, यकीन करें वो बाद में आपके करीब भी नहीं लगते। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करें। खुद को कुर्बानी का बकरा हरगिज़ ना बनाएं, वरना ज़िंदगी भर की तकलीफ और पछतावा सुकून से जीने नहीं देगा। सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हम तब खुदा से रजू करते हैं जब दुनिया हमें रद्द कर चुकी होती है। तमाम दरवाज़ों से धत्कार जाने के बाद हम खुदा के दर पर दस्तक देते हैं। हमारी अवलीन तरजीह हमेशा दुनिया होती है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। ये मरे हुए के लिए रोता है और जिंदा को रुलाता है। जिस मर्द में ये तीन आते हों वो धोखेबाज होगा। नंबर एक, वो मर्द जो गैर औरतों से दोस्ती रखे। ऐसा मर्द कभी भी एक औरत से वफा नहीं कर सकता। नंबर दो, वो मर्द जो रास्तों में औरतों को जानवरों की तरह घूरता है। नंबर तीन, वो मर्द जो अपनी मोहब्बत को या बीवी को नज़रअंदाज करे।